पांच महीने पहले मजार की शक्ल बदल देने की कोशिश होती है, और कौन सी मजार? एक आतंकवादी की मजार जो 2015 में फांसी पर लटकाया गया और उसको फिर परिवार को सौंप दिया गया। अब कई लोग ये सवाल उठा सकते हैं, और जैसा इस वक्त मैं गणेश जी से ये सवाल पूछ रही थी कि बताइए, जो उसामा बिन लादेन के साथ किया गया वो इसके साथ क्यों नहीं किया गया, जो कसाब के साथ किया गया वो इसके साथ क्यों नहीं किया गया? अब निजेश अवस्थी क्या जवाब देंगे, और गणेश जी फिर उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। रिबिका जी, पहली बात तो ये कि अभी किशोर जी कह रहे थे किस बात की माफी मांगू, तो पहले तो क्षमावाणी पर्व चल रहा है। क्षमावाणी पर्व पर हाथ जोड़ करके खड़े होकर के हनुमान चालीसा को जेल भेजने पर माफी मांगिए, और उनको अब जमानत ना मिले इसके लिए सरकार ने जिस तरीके की ताकत लगाई उसके लिए माफ़ी मांगी, एक बात। दूसरी, मैं इस बात के लिए कहता हूं कि बहुत अच्छा किया कि उसके परिवार को, याकूब मेनन के परिवार को सौंप दी, वरना आज तक सबूत मांग रहे होते ये तो कि याकूब मेनन को फांसी दी है क्या? सबूत दो हमें, कहाँ है सबूत? ये सबूत गैंग एकदम खड़ा हो जाता कि कहाँ है जी उसकी लाश, कहाँ है, कहाँ फेंक दी? नहीं, हम नहीं मानते जी, किसी और को दे दी गई है चुपचाप, उसको तो विदेश भगा दिया गया। ये सबूत गैंग सारा खड़ा हो जाता आज, ये तो अच्छा है उसकी उसके परिवार को लाश सौंप दी गई, वरना आज तक ये सबूत मांग रहे होते सारे, ये मनीष दुबे, किशोर तिवारी और बाकी जो लोग हैं ये सब मांग रहे होते सबूत, इसलिए बड़ा सा हुआ। एक बात दूसरी बात सुनिए ना, सुनिए, अरे 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 सुनिए सुनिए सुनिए, अरे अरे सुनिए, सबूत गैंग के, सबूत गैंग चुप, सबूत गैंग चुप, ये बालाकोट, बालाकोट पे सबूत मांगने वालों, बालाकोट पे सबूत मांगने वालों चुप हो जाओ, सर्जिकल स्ट्राइक पर सबूत मांगने वाले चुप हो जाओ, चुप चुप, आप सबूत दीजिए। जो वो पाकिस्तान कहता है कि हमारे सेना अध्यक्ष की टांगे कांप रही थी, और यहाँ के लोग कह रहे हैं सबूत दो जी, आपने कुछ किया था, ये वो लोग हैं। रूबिका जी, बड़ी साफ सी बात है, उस समय जो कुछ हुआ हुआ, लेकिन एक बात बड़ी साफ सी है कि आज जो याकूब को याकूब जी कहते हैं उनकी मजार पे कहते हैं, ये बिल्कुल आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया ना, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, क्यों क्यों सौंपना, क्यों लाश को सौंपना, क्यों डेड बॉडी को सौंपना परिवार के, परिवार के लिए तो वो जैसा भी होगा फरिश्ता ही कहलाएगा, माहौल यहाँ तक खराब होगा। अमेरिका ने सही किया ना सारा, हाँ मैंने कहा ये सबूत मांगते, ये मानते ही नहीं कि फांसी दी है, ये तमाम लोग खड़े हो जाते जी फांसी नहीं थी उसको। गणेश खान का जवाब दीजिए आप। मुझे सवाल फिर से दोहराइए प्लीज। सर आपने डेड बॉडी सौंपी तो सौंपी, क्यों फेंक देते कहीं पर आप? ना मजार बनती, ना फूल चढ़ते, ना चादर चढ़ते, ना यहाँ पर गुणगान किया जा रहा होता जैसे दुबे जी 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 कहते हुए थक नहीं रहे। नहीं देख, ऐसा है कि उस समय मैंने ये कहा कि उस समय सरकार को जो ठीक लगा, और इस विषय में मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, ये सारे निर्णय जब किए जाते हैं, अभी क्या ठीक लग रहा है गणेश जी, अभी क्या ठीक लग रहा है? इसमें बात नहीं की, मैंने आपके बीच में बात नहीं की, मुझे अपनी बात कहने के लिए आप मौका देंगे, मैं किसी की जीव करके मैं यहाँ पर महिमा मंडन करने, तिवारी जी आप मेरी बात सुन लीजिए, मैंने ये कहा कि उस समय सरकार को झगड़ा लगाते हो, दंगे कराने के पीछे झगड़े लगाते हो, क्या कर रहे हो आपका, चुनाव जीतने के लिए कुछ भी करते हो, बात नहीं सुन लिए आप, क्यों किसी की बात नहीं सुनना चाहते? एक एक करके बोलिए ना सर, ऐसे कैसे आप लोग साथ में, नहीं नहीं ये महागाड़ी रुक जाइए ना, कैसे हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, आप उस समय हमारे साथ में शिवसेना सरकार थी, क्या कांग्रेस और एनसीपी के लोग विरोध में थे? गणेश खान का दोनों स्क्रीन पर रखिए प्लीज। आपने गणेश खान का संयम छोड़ दिया, अरे आप संयम छोड़ दिया आपने, इतने इतने संयमी आदमी है, इतने संयमी आदमी है, आपने कहा उस समय, अरे आप करके ये आप ऐसे नहीं कर सकते, अरे गलती हुई, आतंकी मजार बनी थी, अरे तो सुनाई नहीं दे रहा है, देखिए मेरी बात सुनिए, आप दोनों स्काइप से जुड़े हैं, एक दूसरे के ऊपर अगर बोलेंगे तो कुछ सुनाई नहीं देगा, पहले गणेश जी बोलेंगे 30 सेकंड, उसके बाद तिवारी जी 30 सेकंड आपको, ठीक है रुक जाइए अभी, हाँ गणेश जी 30 सेकंड टाइम, आपको 10 ही सेकंड देना, नहीं नहीं 30 दूंगी मैं, क्यों 10 दूं भाई, फिर आप कहेंगे रूबिका जी आप हमारी सुनती नहीं है, रूबिका जी आप पक्षपाती हैं, रूबिका जी आपके कार्यक्रम में आने से डर लगता है, रूबिका जी आप एजेंडा चलाती हैं, रूबिका जी आप ऐसे दोहरे मापदंड अपनाती है, मैं दोनों को 30-30 सेकंड दूंगी तिवारी जी, मैं आपके खेल में थोड़ी फंसूंगी।
गणेश जी बोलो 30 सेकंड। देखिए ऐसा है कि आज हम जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं, उस समय ये हमारे साथ में थे ना, यदि उस समय सरकार ने कुछ गलत कदम उठाया था तो कांग्रेस भी थी, एसपीपी भी थी, ये क्यों उस समय नहीं कहा कि आप ये गलत कर रहे हो। हमने उस समय की परिस्थिति के अनुरूप जो करना था उस समय की सरकार ने किया, लेकिन हमने वहां का ब्यूटिफिकेशन करने के लिए तो परमिशन नहीं दी थी। ये आपके समय हुआ है और ये गलत कह रहे, आप इस बात को क्यों नहीं समझ रहे। ये जो मार्च महीने गणेश जी अब जो है ना अब आप एनसीपी को भी टोकेंगे, अब आप शिवसेना को भी रोकेंगे कि आप लोगों ने क्यों आवाज नहीं उठाई। इससे पहले कौन सा आपने एनसीपी की और शिवसेना की सुन ली? जब कानून लाते हैं तगड़ा, 370 में गए थे एनसीपी से पूछने, आप 35 से हटाने में गए थे आप शिवसेना से पूछने किसान के लिए, वो जो कानून लेकर आए थे कृषि कानून, आप एनसीपी से पूछने गए थे, आप शिवसेना से पूछने गए थे। कड़े फैसले लेने वाली सरकार इस मामले में कोई कड़ा फैसला क्यों नहीं ले रही थी? मैं जानती हूं, लेकिन ये सवाल का जवाब तो आपको देना होगा। हाँ, नोटबंदी के वक्त भी, अरे बाप रे क्या ताकत आ जाती है दुबे जी, याकूब मेहमत का दर्द बोलने में एकदम आपको मुझे लगता है जैसे वो देना पड़ेगा क्या, एनर्जी शॉट्स देने पड़ेंगे। नहीं, नोटबंदी का दर्द, लेकिन गणेश जी को जैसे ही कटघरे में खड़ा करती हूँ, मनीष दुबे जी आप में पता नहीं कहां से सुपर पावर आ जाता है। चलिए तिवारी जी 30 सेकंड। देखो मेरा टाइमर चलाओ। हाँ? मैं प्रदूषण पर के अंदर अग्निवेश जी और गणेश खांडकर जी की माफी मांगता हूँ। देखिए मुझसे नहीं, एक प्रोटोकॉल है जिसके तहत एक मुझे बोलने दो। हाँ? आतंकियों का ग्लोरिफिकेशन नहीं होना चाहिए। हुँ? जो कुछ हुआ उसके में सुधार होना चाहिए। 2015 में फ्यूनरल भी नहीं होना चाहिए था, 16 में मजार बननी नहीं चाहिए थी, उसकी मरम्मत भी नहीं होनी चाहिए थी। मैं मेरे पार्टी की तरफ से प्रार्थना करता हूँ, अभी बीजेपी की सरकार है, मैं कहता हूँ जब एबीपी माजा ने ये चीज लाई है तो उन्होंने रेक्टिफाई कर लेना चाहिए, रेक्टिफाई कर देना चाहिए। अभी भी आज भी फूल डाले गए, इसका मतलब ऐसा है कि रूबिका जी। हाँ? सरकार अभी भी उदासीन है। और ये कौन लोग है इनका भी नाम बाहर आना चाहिए। आप सरकारों को दोष किशोर जी, मैं तो 30 सेकंड, मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि किशोर तिवारी बात कर रहे हैं। आपकी नब्स चेक कीजिए जरा, सब ठीक ठाक तो है? अरे मैं सत्य बोलता हूँ। थैंक यू सर, मैं बहुत सत्य बोलता हूँ सर। थैंक यू, मैं बहुत प्रसन्न हुई। अतीकुर रहमान साहब, हाँ ठीक है सर, समझ गई। अतीकुर रहमान साहब जी, रूबिका जी ऐसे मामले में क्लैरिटी देखिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। इस तरह से अगर हम लोग सेल्फ गोल करते रहेंगे तो कोई मसला हल नहीं होगा। भारत के न्यायालय ने एक फैसला किया, हमको उसके फैसले के ऊपर पूरा भरोसा होना चाहिए। ठीक है सर भाई, अगर दोषी पाया गया तो सजा हुई। इसके साथ साथ में इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर वो आहित वो कवर होती वहां पर और अलग से जाकर उनको अगर कहीं किसी तरह से सजाया जाता तब जाके आप, कोई मजार नहीं रूबिका जी वहां पर, कोई मजार नहीं है। हाँ। कोई प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं है, कोई अलग से लाइट नहीं लगाई है, कोई अलग से फूल नहीं कराए जा रहे हैं। नहीं, अब चेंज हुआ है मामला। आपको पता है नया मामला क्या? टाइगर मेमन के किसी रिश्तेदार ने फोन किया है। ये मेरे पास एफआईआर की कॉपी है सर, आपके पास ये पहुंची एफआईआर की कॉपी? दो लोग हैं, मैं नाम भी आपको बता देती हूँ। एक तो परवेज इस्माइल सरकारे हैं और दूसरे जो हैं जजील नवरंगे हैं। मुझे नहीं पता वो जजील हैं जजील हैं, वो झ लिखा हुआ झंडे वाला। रूबिका जी देखिए, अंडरवर्ल्ड का और पुलिस का और पॉलिटिक्स का नेक्सस हमेशा से रहा है, हमेशा से रहा है। इस तरह के फोन आते रहते हैं तो? फिल्म इंडस्ट्री भी इसके अंदर लिप्त है तो? इसका ये मतलब तो नहीं है कि हम लोग आतंक का साथ देंगे। इस तरह से फोन आते रहे हैं। देखिए पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट, आपके पास तो कोई फोन नहीं आया था, आपको तो सिर्फ रूबिका लियाकत ने पूछा था कि पास में शैतान की कब्र होगी तो फूल चढ़ाएंगे क्या? अतीक भाई आपने क्या जवाब दिया? हाँ चढ़ाऊंगा मैं। अच्छा शैतान की कब्र, अरे मैं कह रही हूँ ये शैतान है, आपको इसे शैतान मानने में क्यों परेशानी हो रही है? 257 लोगों का कत्ल जिसने किया, जो दोषी पाया गया और सुप्रीम कोर्ट ने जिसे सजा सुनाई हो, फांसी पर चढ़ा हो, वो शैतान? आप ही कह रहे हैं क्लैरिटी जरूरी है। मेरे पास है सर क्लैरिटी, आप भी रखिए वो क्लैरिटी। मजबूरी
क्या मजबूरी है मेरी बताइए, मैं अभी आपको बताती हूँ, मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।